गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास सिक्स का ज्योग्राफी चैप्टर वन बतलाएंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस सौर मंडल में पृथ्वी का क्या इम्पोर्टेंस है। यूनिवर्स टॉपिक है। मोस्ट एस्ट्रोनोमर्स बिलीव दैट द यूनिवर्स स्टार्टेड अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो विद द जीनेटिक्स explosions of a cosmic egg, the Big Bang. Due to these explosions, atoms and lattice molecules were formed. These molecules came together and formed dense clouds of gases and dust particles, which called nebula. Each nebula had its own gravity and ए स्पाइनिंग मोशन। दैट्स मीन्स अधिकांश खगोल शास्त्रों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 15 बिलियन साल पहले हुई थी, जो कि एक कॉस्मिक एग बिग के विशाल विस्फोट के साथ हुआ था। इस विस्फोट के कारण परमाणु और बाद में अणुओं का निर्माण हुआ। इन अणुओं ने एक साथ आकर गैसों और धूल के कणों के विशाल बादलों का निर्माण किया, जिन्हें निहारिका या नेबुला कहा जाता है। प्रत्येक नेबुला का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और एक साथ गति भी होता रहता है। सेकेंड, दिस गेव आउट एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, सो मच सो दैट glowing bodies such as the stars were born out of the nebula. Our sun, which is the star, was born about 4.6 billion years ago. That means निहारिका, जिसको हम लोग नेबुला के नाम से भी जानते हैं। निहारिका के भीतर परमाणु एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुई और इस प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त गति से टकराया। इसमें भारी मात्रा में गर्मी निकली। हमारा सूर्य जो एक तारा है, लगभग 4.6 अरब साल पहले इसका जन्म हुआ। दैट नेक्स्ट, सेलेस्टियस बॉडी दैट प्रोड्यूस देयर ऑन हीट एंड लाइट आर इज कॉल्ड स्टार्स। ईच स्टार इज ए ह्यूज मास ऑफ हॉट गैसेस। दे हैपियर्स एज टीने स्पीक्स इन द स्काई बिकॉज दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अस। स्टार ट्विंकल्स बिकॉज द लाइट दैट दे इमिट कम्स डाउन टू एज थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ एयर। दैट्स मीन्स आकाशीय पिंड जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। प्रत्येक तारा एक विशाल द्रव्यमान है गर्म गैसों का। वे आकाश में छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं। सितारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि जो प्रकाश वे उत्सर्जित यानी छोड़ते हैं, वह हवा की विभिन्न परतों के माध्यम से हमारे पास आते हैं। आज आप लोग के लिए सिर्फ यूनिवर्स में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो लेकर आएंगे। गुड डे ऑल स्टूडेंट्स एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।